हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्रिपरेशन क्लासेस। तो हमने नया चैप्टर शुरू किया था, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। तो हमने कल बेसिक पार्ट पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था अल्कोहल क्या है। ठीक है, तो जनरली आपको पता ही है कि अल्कोहल जो होता है आर के साथ जो ओ एच ग्रुप, मतलब अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया, ओ एच इज द फंक्शनल ग्रुप है जिसको अल्कोहल कहा जाएगा। अगर एलिफेटिक कार्बन के साथ ओ एच ग्रुप लगा है तो उसको अल्कोहल, अगर एरोमेटिक ग्रीन के साथ ओ एच ग्रुप लगा है तो उसको फिनॉल कहा जाता है। और इथर का फॉर्मूला तो आपको जनरली पता है कि आर ओ आर, इट इज अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो ये अल्किल डेरिवेटिव्स हो गया, अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स हो गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्पेसिफिकली अल्कोहल का पार्ट। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने कहा था इसका वेटेज कैरी होता है 6 मार्क्स का, इसलिए आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है। तो नॉमिनक्लेचर मतलब नामकरण। अब अल्कोहल के नाम कैसे हैं, अलग अलग अल्कोहल समझे जैसे देखते हैं। ठीक है, इथिल अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल है। मिथिल अल्कोहल ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हम, पॉइजनस होता है स्लाइटली। इथिल अल्कोहल तो पीने में भी यूज़ होता है। तो ऐसे नाम है अकॉर्डिंगली कार्बन के नंबरिंग्स पे, ये तो आपको पता ही है। जितने कार्बन है उसके उतने नंबर रहेंगे। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन अगर है तो मिथिल अल्कोहल होगा, दो कार्बन है तो इथिल अल्कोहल होगा, तीन कार्बन है तो प्रोपिल अल्कोहल होगा। तो जैसे हमने नॉर्मली हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि एक कार्बन मतलब सिंगली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। तो उसी तरीके से 10 कार्बन तक हमने पढ़ा था। और इसी में अगर हम हैलोजन्स इंक्लूड कर रहे थे, उसको मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, और नेक्स्ट ऑन शुरू होता था। वैसे ही अगर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसको मिथिल अल्कोहल, दो कार्बन है तो इथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो अब इसके कॉमन नेम्स किस तरीके से रखा गया, तो जैसे मैंने कहा कॉमन नेम है ट्राइबल नेम्स। मैं पहले से बताती हूँ कि कॉमन नेम मतलब जैसे घरेलू नाम, ट्राइबल मतलब जिसके घरेलू नाम, जहाँ से वो मिला है उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम रखे गए हैं। तो इन दिस सिस्टम्स में आपको दिखता है कि अल्कोहल्स आर नेम्ड बाय राइटिंग द वर्ड अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप के बाद आपका अल्कोहल मतलब अल्कोहल जो है वो थोड़ा एंडिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा आपके सफिक्स में। ठीक है, तो प्रीफिक्स आल्सो इंक्लूड द प्रीफिक्सेस लाइक नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये आपका जाएगा, तो अल्कोहल क्या हो गया आपका, ये हो गया सफिक्स पार्ट। सफिक्स मतलब एंडिंग में जा रहा है। ठीक है, आगे अगर होता तो प्रीफिक्स होता, प्री मतलब पहले। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्सेस मतलब पहले। ठीक है, और सफिक्सेस मतलब बाद में, तो प्रीफिक्सेस मतलब फर्स्ट। ठीक है, तो पहले बोल सकते हो, सफिक्सेस मतलब बाद में। तो आपको अगर चेन में आपको कहीं आइसो दिख रहा है, मतलब ब्रांचिंग है, सेकंड पोजीशन पे कोई लगा है, टर्शरी पोजीशन पे कोई लगा है, तो उसको आप नॉर्मली आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी या एन मतलब नॉर्मल चेन भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 ही कार्बन है इसलिए सिंपल इथिल अल्कोहल लिखा। अगर बड़ी कार्बन की चेन होती, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लंबे कार्बन की चेन होती, ठीक है, तो इसको मैं एन लिखती। ठीक है, एंड लास्ट में ओ एच ग्रुप लगा है तो इसको मैं एन लिखती। क्यों एन लिखती, क्योंकि नॉर्मली ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, नॉर्मल चेन है, इसको स्ट्रेट चेन कहा जाएगा, तो इसलिए इसको एन लिखूंगी। कितने कार्बन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा एन हेक्सेनॉल। ठीक है, क्यों अब ऐसा नाम आया इसका एन हेक्सेनॉल, क्योंकि नॉर्मल चेन है। वही अगर कार्बन ब्रांचिंग में होता, ठीक है, तो कार्बन ब्रांचिंग में होता तो इसका मैं पोजीशन लिख सकती थी, नंबरिंग तो करना ही है मुझे, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे कार्बन लगा है, या 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ पे है, यहाँ से थर्ड कार्बन पे है, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ, इसलिए इसका नाम मैं 3-मिथिल हेक्सेनॉल लिख सकती हूँ, सॉरी 3-मिथिल हेक्सेनॉल लिख सकती थी। या फिर स्पेसिफिकली अगर मैंने देखा तो थर्ड कार्बन पे जितने कार्बन से उसमें उसके अकॉर्डिंगली उसके नाम इंक्लूड होंगे। तो जैसे ही आपका CH3CH2OH, इसको इथिल अल्कोहल कहा जाता है। अगर लंबी सी चैन होती है तो नॉर्मल चैन, इसको नॉर्मल चैन कहेंगे हम। ठीक है, हेक्सेनॉल है। अगर आइसो पोजिशन मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि कार्बन है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती थी, तो मुझे यहाँ पे इसको आइसो लिखना पड़ता था। और कितने कार्बन हो गए टोटल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन। तो इसको लिखना पड़ता था मुझे आइसो हेप्टेनॉल। ओएल क्यों लगा है, क्योंकि ओएल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप रिजेंबल करता है। अब सेकंड कार्बन पे अगर लगा होता तो सेकेंडरी लिखना पड़ता था, तीसरे कार्बन पे टर्शरी कार्बन पे अटैच होता तो टर्शरी लिखना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू देम मैं आगे उसके लेबलिंग्स कराती हूँ। ठीक है, देन कार्बिनॉल सिस्टम। तो हमारा नॉमेनक्लेचर जो मिलेगा अल्कोहल का, वो 3 पार्ट में है। एक तो कॉमन नेम है ट्राइबल नेम, जो घरेलू नाम बोल सकते हैं। एक कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम क्यों, कि कितने कार्बन अटैच है उसके हिसाब से उसका कार्बिनॉल सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा, तो बाकी कार्बिनॉल है, ये न्यू इंक्लूडिंग पार्ट है। ठीक है, अभी तक आपकी बुक में नहीं था, ये नया पार्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो नए इंक्लूडिंग पार्ट है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन रह सकता है वो कार्बिनॉल से भी रह सकते हैं, कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बिनॉल, फर्दर कार्बिनॉल, या राइट द प्रिपरेशन ऑफ मिथिल कार्बिनॉल, या राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथिल कार्बिनॉल। तो मिथिल कार्बिनॉल मतलब ही होगा आपका CH3CH2OH। अब ये मिथिल कार्बिनॉल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो है उसको मिथिल इंक्लूड किया गया,
और बाकी जो है वो मिथिल कार्बिनॉल कहा जाएगा। वैसे ही अगर इथिल कार्बिनॉल है तो कार्बन एक नंबरिंग बढ़ेंगी, तो मिथिल कार्बिनॉल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप हो गया ये कार्बिनॉल का फंक्शनल ग्रुप हो गया, दिस इज मिथिल और ये कार्बिनॉल। इथिल कार्बिनॉल होता तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ता था CH3 CH2 CH2 OH, तो ये हो जाता था आपका इथिल कार्बिनॉल, ठीक है, ये हो जाता था इथिल कार्बिनॉल। वैसे ही अगर प्रोपेन होता था तो फिर और एक कार्बन बढ़ता था। मतलब आपको दिख रहा है कि नॉर्मली मिथेनॉल में हमारा एक ही कार्बन था, पर मिथिल कार्बिनॉल में हमारे दो कार्बन है, इथिल कार्बिनॉल में हमारा तीन कार्बन है, प्रोपिल कार्बिनॉल में चार होते हैं, मतलब एक एक कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बिनॉल सिस्टम का। और लास्ट वाला IUPAC नेम, तो IUPAC सिस्टम आपको पता ही है, IUPAC के रूल्स होते हैं। एक तो पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने अगर जनरली कहा कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो जितने कार्बन है, जैसे मैं अगर यहाँ पर बना दे रही हूँ, ठीक है, तो ब्रांचिंग जितनी है, जैसे यहाँ पे अगर ब्रांचिंग है, तो मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी रहेंगी, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हो रहे, तो मैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। अब लॉन्गेस्ट चेन में मुझे दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से है, इस कार्बन से पास में है, तो यहाँ पे पहला कार्बन है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 आता है, यहाँ से 1 2 3 आता है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास है, मुझे यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन हम इंपॉर्टेंस फंक्शनल ग्रुप को दे रहे हैं। तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया 1 2 3 4, तो फोर कार्बन पे मेरे कौन कितने कार्बन लगे हैं, दो, दो मतलब इथेन, ठीक है, तो फोर इथिल, ठीक है, फोर इथिल हो गया। मेन चेन कितने की बन गई आपकी, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, और आपके पहले कार्बन के साथ का अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन 1 OL, ये समझ रहा है। ये मैंने ब्रांचिंग आपकी बनाई है, ठीक है। तो फोर कार्बन पे यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग की है, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग होगी। तो ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है आपका, ठीक है। साथ साथ में ये 1 2 3 4, फोर कार्बन पे आपका दो कार्बन, फोर्थ कार्बन पे दो कार्बन लगे, दो कार्बन मतलब आपका इथिल होता है, फोर इथिल, और मेन चेन कितने की है, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, मेन चेन है आपकी हेक्सेन की, और हेक्सेन के पहले कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप लगा है, इसलिए हेक्सेन 1 OH, या हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो, 1 हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो आप, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं। तो जैसे दिख रहा है कि अल्कोहल्स का नेम होता है अल्केनॉल्स, ठीक है, इसके आप एंडिंग में आप OL लगाओगे हमेशा, एंडिंग जो ई रहेगा अल्केन का, ठीक है, मोस्टली हम मिथेन लिखते हैं इथेन लिखते हैं, तो एंडिंग जो रहेगा ई का, ई का रिप्लेसमेंट हो रहा है OL से, ये या हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे ई का रिप्लेसमेंट हो रहा है OL से, ठीक है, तो ई का रिप्लेसमेंट हो रहा है OL से। तो अल्केन में जो हमारा ई था, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन ऑनेन डेकेन, तो उसी तरीके से इसमें आपके अगर ई है तो ई का OL, ई इसका भी OL और इसका भी OL, ठीक है, तो अल्केन अल्कीन या अल्काइन, इसमें तीनों में आपका ई रिप्लेसमेंट होकर OL लग रहा है, ये सेकंड रूल था। तो पहला रूल क्या है आपका IUPAC का, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कीजिए, ब्रांचिंग जो है नियरेस्ट ब्रांचिंग जो रहेगी वहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, पर फंक्शनल ग्रुप अगर पास में है तो फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग पास में होगी, ठीक है। इस IUPAC के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे आपको पुरानी बुक्स में वगैरह, उससे आप सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ये आप जितना खुद सॉल्व करोगे उतना अच्छे से समझेगा, मैं तो समझा के दूंगी ही, ठीक है, पर आपका काम है कि आपको खुद को सॉल्व करके इसको देखना है, ठीक है। तो अल्कोहल्स तो पहला था, उसके लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, ठीक है, फिर उसका अल्केनॉल्स कहा जाता है, फिर इसमें जो ई का रिप्लेसमेंट है, ठीक है, तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे 6 कार्बन है तो मुझे हेक्सेन लिखना पड़ता था, पर हेक्सेन तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा, इसलिए इसका ई का रिप्लेसमेंट हुआ OL से, जिसको हेक्सेनॉल कहा गया, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाएगी एज अ पैरेंट चेन, ठीक है, पैरेंट चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इफ टू आर मोर हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर एक दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसको डाई बोला जाएगा, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसको ट्राई बोला जाएगा, जैसे हमने कल देखा था, है ना, सॉर्बिटॉल देखा हमने, ग्लिसरॉल देखा, ग्लाइकॉल देखा, ग्लाइकॉल में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, याद आए क्या, ठीक है, तो ग्लाइकॉल में हमारे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, इसलिए इसको मैंने ग्लाइकॉल लिखा था, याद है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के हिसाब से यहाँ पे हमने ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स भी पढ़ा था, तो ग्लिसरॉल, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे इसलिए ग्लिसरॉल, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए सॉर्बिटॉल, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते तो उसको ग्लाइकॉल, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके नाम पड़े थे, ठीक है। ये हमारा कल का पार्ट था, मतलब रिमेनिंग पार्ट था। अब जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने रहेंगे उसके उनकी नंबरिंग रहेंगी, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डाई, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ट्राई, और उससे भी ज़्यादा है तो टेट्रा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज शोन विद द प्रॉपर नंबर, जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा उसका प्रॉपर पोजीशन प्रॉपर नंबरिंग में रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रहेगा उसका नंबर लेना जरूरी है बिफोर सफिक्स, सफिक्स के पहले, सफिक्स मतलब
एंडिंग में, ठीक है, तो उसको आप सफिक्स के पहले ही आपको नंबर देना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा CH2OH, यहाँ पे बना हुआ ये स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CH2OH, CH2 और CH2OH, तो यहाँ पे आपका पहले कार्बन, दिस इज़ अ फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ अ सेकेंड और दिस इज़ अ थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे आपका लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, मिथेन एथेन प्रोपेन, तो मैंने लिख दिया प्रोपेन, ठीक है। पहले और तीसरे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 1 3, और OH कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2, इसलिए डायोल। अगर यहाँ पे भी होता इन केस तो यहाँ पे इसको ट्रायल लिखना पड़ता था, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए डायोल, 3 है इसलिए ट्रायल भी हो जाता था। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो सिमिलरली साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लिक टू द पैरेंट एल्केन एंड कंसिडरिंग OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन 1 कार्बन एटम, ठीक है, तो अटैच्ड होगा। तो साइक्लिक अल्कोहल्स अगर जैसे इस तरीके के साइक्लिक अल्कोहल्स है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच करेगा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे अटैच है तो उसको नंबरिंग हम फर्स्ट करेंगे, अब सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे इसलिए इसका नंबर 1 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि ब्रांचिंग यहाँ से, तो ये सेकंड, अगर ये पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसने कहा रूल क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ से रहेगा पास में, ठीक है, तो एज इन साइक्लोकार्बन्स में, ठीक है, साइक्लिक अल्कोहल्स में जहाँ पे OH ग्रुप लगेगा उसका, उसको कहा जाएगा उसका नंबरिंग 1, ठीक है, उसका कार्बन उसका नंबरिंग 1 रहेगा। तो पहला अगर ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा पाँचवा, तो इसका नाम देखिए कैसे लिखा है कि 2, सेकंड कार्बन पे इथिल लगा है इसलिए 2 इथिल, और पेंटेन रिंग है आपके इसलिए साइक्लो, ठीक है, साइकिल में पेंटेन रिंग है इसलिए साइक्लो पेंटेनॉल, 5 कार्बन है ना, मतलब पेंटेन है, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए पेंटेनॉल, ठीक है। तो आपको रूल समझ रहा है, तो पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हमारी दिखी रही है मिथेन एथेन प्रोपेन की है, और नॉर्मल चेन है इसलिए एन प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, और पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1-OL, ठीक है, प्रोपेन 1-OL, पहला कार्बन ये, पहले कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप लगा इसलिए प्रोपेन 1-OL, तो ये आपका हो गया प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले कार्बन एक, बीच में सेंटर में कार्बन है, 3 कार्बन उससे जुड़ा, मतलब ये टर्शरी हो गया, ठीक है, तो टर्शरी, और कितने कार्बन है टोटल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, जो टोटल 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटीन, और फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल का है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो IUPAC रूल्स के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होंगी, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये सेलेक्ट होगी, ठीक है, ये सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते तो 2 ही कार्बन आते, तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आपके यहाँ इस चेन में आए, तो दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकंड एंड दिस इज अ थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है, तो सेकंड कार्बन पे मेरा मिथिल ग्रुप भी लगा है, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप भी लगा है, तो मैं अगर इसका नाम लिखूँ तो सेकंड कार्बन पे मिथिल, ठीक है, 2 मिथिल, और मेन कार्बन कितने, 3, तो प्रोपेन 2-OL, ठीक है, सेकंड कार्बन पे OL ग्रुप भी लगा, सेकंड कार्बन पे मिथिल भी, इसलिए 2 मिथिल प्रोपेन 2-OL, ठीक है, होप्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चेन है यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं अगर यहाँ से काउंटिंग करती हूँ, जैसे दिस इज अ फर्स्ट कार्बन, दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ थर्ड एंड दिस इज अ फोर्थ, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप पास में है, अगर यहाँ से काउंटिंग कर दूँ तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे जाता फंक्शनल ग्रुप, और मैंने पहले ही कहा कि IUPAC रूल का कहना क्या है कि जहाँ से नियरेस्ट ब्रांचिंग होगी वहाँ से आपको काउंटिंग करनी है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास होगा वहाँ से काउंटिंग करनी, तो पहला और दूसरा, यहाँ से सेकंड नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, यहाँ से थर्ड नंबर पे OH ग्रुप आएगा, इसलिए यहाँ से मैंने काउंटिंग की तो फर्स्ट 2, ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा इसलिए सेकंड, ठीक है, और कितने कार्बन है टोटल, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटिल और फंक्शनल ग्रुप सरनेम तो उसका अल्कोहल रहेगा ही, या फिर आप डायरेक्टली लिखो तो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, दिस इज अ ब्यूटेन, सेकंड कार्बन पे ऑयल ग्रुप है इसलिए 2 ब्यूटेन 2 ऑयल। IUPAC रूल में आपको पोजीशन नंबरिंग लिखनी पड़ती है, याद रखिए, और कॉमन नेम में आपसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे जो है साइक्लोब्यूटेनॉल, मैंने बताया था कि साइक्लोब्यूटेनॉल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या जो भी अल्कोहल ग्रुप हमारा लगेगा, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगा तो वो पहला कार्बन, तो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि बाकी कहीं ब्रांचिंग है नहीं, तो फर्स्ट कार्बन अगर ये है तो आपके एक 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन किस तरीके से अरेंज हो, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और 4 कार्बन में पहले कार्बन पे OH ग्रुप लगा इसलिए इसको साइक्लोब्यूटेनॉल, 1 साइक्लोब्यूटेनॉल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंसिडर है, ठीक है, नंबरिंग कंसिडर होती है कि साइक्लोब्यूटेनॉल ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैंने बता दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी एक्सप्लेन कर दिया, इसका नाम पता है आपको प्रोपेन 1-3 डायल क्यों लिखा है, क्योंकि पहले और तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, इसको 2-ethyl साइक्लोपेंटेनॉल क्यों कहा गया, क्योंकि फर्स्ट कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ लगा वो फर्स्ट कार्बन कंसिडर होता है, तो दूसरा जो कार्बन है वो इथिल है, ठीक है, C2H5।
तो सेकंड कार्बन इथिल ग्रुप है इसलिए 2-ethyl, और पेंटेन रिंग में है इसलिए साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये हो गया आपका अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप्स और भी आपके बहुत सारे आईपीएससी रूल्स में आपको मिलेंगे, चार्ट्स बने हैं आपके बुक में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ही, ठीक है। तो वो बहुत बेसिक है पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। मैंने तो बहुत डिटेल में बहुत बेसिक कंसेप्ट लिए हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी हैं जो सो हम आगे कंसिडर करेंगे ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल का पार्ट। आई होप सो आपको अल्कोहल का नॉमिनेचर समझ गया होगा। तो जैसे मैं फिर से इसको रिपीट करा देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से नॉमिनेचर जो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, वो तीन पार्ट में, कॉमन नेम कार्बिनॉल सिस्टम और आईपीएसी। कॉमन नेम मतलब नॉर्मली जो हम घर के नाम बोलते हैं उस तरीके से कॉमन नेम रहेगा। इसमें अल्कोहल जो है एंडिंग में लगेगा, सफिक्स में, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है तो वो प्रीफिक्सेस में लगेगा, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहले लगेगा। कार्बिनॉल सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि एक कार्बन बढ़ता जाता है यहाँ पे, जैसे मिथिल कार्बिनॉल लिखा है तो मिथिल तो ये हो गया, दिस इज अ मिथिल, ठीक है, दिस इज अ मिथिल, और ये कार्बिनॉल पार्ट हो गया, सी एच टू एच कार्बिनॉल हो गया। इथिल लिखा होता तो सी एच थ्री सी एच टू हो जाता और सी एच टू एच इथिल का, ठीक है, इथिल कार्बिनॉल होता। प्रोपिल मतलब तीन कार्बन इधर और सी एच टू एच लगता, ठीक है। ब्यूटिल मतलब चार कार्बन इधर और वहाँ पे सी एच टू एच लगता। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हर एक में एक एक कार्बन इंक्लूडिंग ज़्यादा है। इथिल कार्बिनॉल, अगर इथिल कार्बिनॉल बोलते तो हम सिर्फ सी टू एच फाइव ओ एच नहीं लिख सकते, उसको हम सी टू एच फाइव सी एच टू एच लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई पी सी रूल्स मैंने बता दिया कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है आपको, लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचिंग जहाँ से नियरेस्ट रहेंगे वहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास है वहाँ से काउंटिंग करनी है। एंडिंग जो रहेगा अल्केन का, ठीक है, अल्केन का जो ई का रिप्लेसमेंट है, हमेशा हमेशा जो भी ई रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो भी ई का है उसका रिप्लेसमेंट होगा ओएल से। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे लगे हैं तो उसको हम डाई ट्राई टेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। ओएल बिफोर यूज, बिफोर ओएल के पहले, मतलब अल्कोहल के पहले ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रॉपर नंबरिंग देना बहुत जरूरी है। अगर पहले कार्बन के साथ अटैच हो तो वन लिखिए, थर्ड कार्बन पर अटैच हो तो थर्ड लिखिए। साइक्लिक अल्कोहल्स अगर देखें तो साइक्लिक अल्कोहल्स, ठीक है, साइक्लिक अल्कोहल्स में अगर कार्बन, ठीक है, ये साइक्लिक अल्कोहल्स में कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे लगा है तो वो उसकी नंबरिंग होगी। तो यहाँ पे ये वन कार्बन है, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी नंबरिंग होगी। और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो जाते हैं कार्बोलिक एसिड से ही जाते हैं, और बहुत से बच्चे फिनॉल फिनॉल पढ़ के जाते हैं, कार्बोलिक एसिड पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिपेयर द कार्बोलिक एसिड फ्रॉम डैश, प्रिपेयर द कार्बोलिक एसिड फ्रॉम डैश, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे एकदम से क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं खुद ही कि क्या है भाई कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोलिक एसिड का मतलब होता है फिनॉल, कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल का ही अनादर नेम कार्बोलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड में कंफ्यूज नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COOH, ठीक है, कार्बोलिक एसिड का मतलब होता है फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा तो उसको फिनॉल कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, और कार्बोनिल ग्रुप अगर कहा गया तो फिर वो एल्डिहाइड कीट बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से आप याद रखिए, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप जो आपके एल्डिहाइड कीटोन में जाएगा। ये आपका है फिनॉल जो कार्बोलिक एसिड कहा जाएगा, ठीक है, कार्बोलिक एसिड। और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता ही होगा, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनॉल जो है वो कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, और कार्बोनिल ग्रुप, तो ये तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बार बार, इसलिए मैं इसको रिपीटेशन में पढ़ाती जाऊँगी। जब एल्डिहाइड कीटोन हम शुरू करेंगे तब तो मैं और अच्छे से बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जो नॉमेनक्लेचर रहता तो उसमें कॉमन नेम नहीं जाते, इसमें डायरेक्टली आईपीएसी नेम ही जाएंगे क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच होता है। तो पहला तो रूल है इसका कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनॉल। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स मतलब बेंजीन रिंग पे, अगर जैसे बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा है तो उसको कहा जाता है फिनॉल, ठीक है, सिंपली बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा है तो उसको कहा जाता है फिनॉल। आईपीएसी के हिसाब से फिनॉल को बेंजेनॉल भी कह सकते हैं, जैसे उसको अल्केनॉल कहा हमने, अल्कोहल को अल्केनॉल कहा ना, वैसे ही बेंजीन को, बेंजीन के साथ अगर फिर OH ग्रुप अटैच है तो उसको बेंजेनॉल। कॉमन नेम अलग नहीं रहेंगे इसके, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम सेम रहेंगे। अब इसके पोजीशन मैंने बताया था कि ऑर्थो मेटा पैरा ये भी इंक्लूडिंग करना ज़रूरी होता है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल क्यों लिखा, अगर ये मेन अगर रिंग देखी हमने तो ये फिनॉल की है, मेन रिंग फिनॉल की है, फिनॉल के बाजू वाला पोजीशन मतलब OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बाजू वाला जो रहेगा वो हमेशा ऑर्थो रहता, उसके बाजू वाला मेटा रहता, उसके बाजू वाला पैरा रहता। ये मैंने इंक्लूडिंग पहले भी बता दिया था आपको कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर यहाँ लगा है तो उसका ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से अगर साइड वाइज, ठीक है, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ लगा होता
तो फिर ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है, ठीक है, आर यू गेटिंग? तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है तो यही ऑर्थो मेटा पैरा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर अटैच है उसके हिसाब से उसके बाजू वाला पोजिशन ऑर्थो, उसके बाजू वाला मेटर, उसके बाजू वाला पैरा हमेशा कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्थो पोजिशन पे ब्रोमिन, इसलिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल हो गया। यहाँ पे पैरा पोजिशन पे ब्रोमिन लगा, इसलिए पैरा ब्रोमोफिनॉल हो गया। यहाँ पे मेटा पोजिशन पे ब्रोमिन लगा, इसलिए मेटा ब्रोमोफिनॉल हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ रहा है, काफ़ी ईजी पार्ट है, फिनॉल का पार्ट वैसे भी बहुत ईजी जाएगा आपको, ठीक है। फिर अगर मेरे पास, मैंने यहाँ यहाँ पे एक एक ब्रोमीन था इसलिए मैंने ऑर्थो मेटा पैरा एक्सप्लेन किया है, पर मेरे पास अगर ब्रोमीन बहुत सारे हैं या नाइट्रो ग्रुप बहुत सारे हैं या और भी बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, तो मुझे उस पर नंबरिंग देना सबसे ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ऑर्थो तो नहीं लिख सकती, ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरीके से वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसलिए मुझे उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आपको पता ही है मेन स्ट्रक्चर हमारा किसका है भाई, फिनॉल का, इसलिए मैंने फिनॉल तो लिख ही दिया है। फिनॉल के बाजू वाला जो नंबरिंग रहेगा, तो ये तो पहला कार्बन है, पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिनॉल ग्रुप लगेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे लगेगा वो पहला कार्बन रहता है हमेशा, उसके बाजू वाला दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन लगा है और सिक्स कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, तो उसका नाम क्या होगा, 2, 4, 6, कितने ब्रोमीन है, तीन, इसलिए ट्राई, और क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, इसलिए ब्रोमो, और मेन चेन है आपकी फिनॉल की, वो तो हर हमेशा सरनेम एंडिंग में ही जाता है, आप भी अपने सरनेम एंडिंग में लिखते हो ना, तो फिनॉल इज अ सरनेम है, तो इसलिए उसको एंडिंग में रखा गया है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें ओ सी एच थ्री लगा है, अगर ये ओ एच होता, ठीक है, ओ एच होता तो इसको फिनॉल कहा जाता, पर सी एच थ्री लगा है तो इसको आप मिथॉक्सी फिनॉल भी कह सकते हो, ठीक है, इसको ऑर्थो मिथॉक्सी भी बोलते हैं, इसको मिथॉक्सीटोलिन भी बोला जाता है, पर इसको स्पेसिफिकली अभी इसका नाम अलग दिया है, इसको एनिसोल कहा जाता है, ठीक है, एनिसोल, ये याद रखिए आप, ये आगे अब और भी कंसेप्ट में जाएंगे। अब जैसे अगर मैंने सल्फोनिक एसिड लिखा है, सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है, सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है, तो ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड आते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन में अगर सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है तो उसको ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड कहा जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन में अगर सल्फोनिक एसिड लगा है तो ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। ये नॉमिनक्लेचर ऑफ फिनॉल का पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें आपको 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है, एनिसोल है, ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड है। अगर ब्रोमिन की जगह NO2 ग्रुप लगा होता, ठीक है, NO2 ग्रुप लगा होता तो इसका नाम वैसा ही होता, ठीक है। इसका पोजीशन हम 2, 4, 6, पर कितने नाइट्रो है हमारे पास, तीन, इसलिए 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ब्रोमो की जगह मेरा नाइट्रो हो जाता है, ठीक है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो जाता। ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को हमेशा कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, फिनॉल को हमेशा हम बेंजेनॉल भी कहेंगे, और इसमें कॉमन नेम नहीं होते, इसमें कॉमन नेम राइफिसिन सेम ही जाएंगे। और तो मेटा पैरा कब एक्सप्लेन करेंगे, जब हमारे पास एक एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है या कोई भी ज्वाइंट ग्रुप अटैच है, और साथ साथ में अगर हमें बहुत सारे ग्रुप्स अटैच मिलेंगे तो उसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल का पार्ट। लास्ट पार्ट है आज का नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। आज नॉमेनक्लेचर हम खत्म कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से आगे पढ़ने में टाइम मिले, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स में हम देखते हैं, तो ईथर्स आर नेम्ड बाय 2 अल्किल ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप्स है, तो 2 अल्किल ग्रुप मतलब 2 R, ठीक है। 2 अल्किल ग्रुप कहाँ, किससे अटैच है, तो ऑक्सीजन से, तो 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच टू ऑक्सीजन एटम, तो 2 अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, इसको कहा जाता है ईथर। तो 2 अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है, इसको ईथर कहा जाता। अब ईथर में मैंने कल भी डिस्कस किया था, नेक्स्ट पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि ईथर जो होते हैं सिंपल ईथर भी हो सकते हैं और मिक्स ईथर भी हो सकते हैं। अगर सिंपल ईथर है तो उसमें दोनों आर जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, अगर मिक्स ईथर है तो दोनों आर अलग अलग रह सकते हैं। तो सिंपल ईथर आर नेम्ड एज डायल्किल ईथर्स, इसको डायल्किल ईथर्स कहा जाएगा, और मिक्स ईथर को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पे मेरा नीचे एक्सप्लेनेशन है, मैं बता देती हूँ स्ट्रक्चर्स में, तो ये हो गया हमारा कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको क्या याद रखना है, कि ये अल्किल डेरिवेटिव्स है, ठीक है, अल्किल डेरिवेटिव्स है जिसमें 2 R अटैच है ऑक्सीजन के साथ, इसको सिंपल ईथर कहा जाता है। अगर दोनों R सेम है तो सिंपल ईथर, दोनों R अलग है तो मिक्स ईथर, और मिक्स ईथर में हम अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखते हैं। और इसमें IUPAC से अगर देखें तो इसको अल्कोक्सी कहा जाता है। अल्कोक्सी क्यों कहा जाता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ नीचे एक्सप्लेनेशन में। एंड लार्जर द अल्किल ग्रुप कंसिडर द अल्केन, जितने बड़े अल्केन ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो अल्किल ग्रुप जो रहेगा वो बड़ा वाला अल्किल ग्रुप, उसको अल्केन कंसिडर किया जाएगा। अब ये क्या है वो भी बता देती हूँ। जैसे पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि CH3O CH3, तो इसको 2-मिथिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम होगा डायमिथिल और ईथर। सरनेम तो ईथर जाएगा ही, 2-मिथिल ग्रुप है, डायमिथिल और ईथर। अब मैंने जैसे यहाँ पे इसको कंसिडर किया तो ये हो गया मिथॉक्सी, ठीक है। अब इसने कहा कि बड़ा, अगर बहुत बड़ा पार्ट है तो उसको हम अल्केन करके कंसिडर करेंगे, और छोटा पार्ट है तो उसको ऑक्सी लगाएंगे,
तो CH3 और CH3 तो दोनों सेम है, तो इसमें आप किसी को भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर सकते हो। तो इसलिए वो क्या मिथॉक्समेथन, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा CH3 और C2H5। तो जैसे रूल के हिसाब से क्या था कि उसने कहा कि लार्जर द अल्किल ग्रुप, बड़ा वाला अल्किल ग्रुप कौन सा है, इसमें इसके पास एक कार्बन है, इसके पास दो कार्बन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बड़ा कार्बन है, मतलब आपका इथेन एज इट इज रहेगा और ये होगा CH3 ऑक्सीजन के साथ बाइंड, इसलिए इसको कहा जाएगा मिथॉक्सी। ठीक है, एक तो मैंने पहले भी कहा कि अल्फाबेट के हिसाब से जाएगा, अगर एम देखे अल्फाबेट में बाद में आता है, ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम कैसे लिखा मैंने, इथिल मिथिल इथर, ई पहले आता है अल्फाबेट में इसलिए इथिल, एम बाद में इसलिए मिथिल इथर, ठीक है, और इथर सरनेम जाएगा। और IUPAC के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने कहा कि लार्जर अल्किल ग्रुप को हम अल्केन करेंगे, तो ये तो इथेन एज इट इज रहेगा, ये इथेन एज इट इज रहेगा, और CH3 छोटा ग्रुप है इसलिए इसको मिथॉक्सी कहा जाएगा, तो CH3 वो मिथॉक्सी हो गया और इथेन यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों ग्रुप सेम ही, तो इसमें भी सेम थिंग्स है, ये वाला और ये वाला सेम ही रहेगा, इसको डाइथिल ईथर लिखेंगे, साथ साथ में IUPAC रूल्स अगर लिखे तो इसको अगर मैं यहाँ से इसको बाइंड अप करूँ या यहाँ से इसको बाइंड अप करूँ तो नाम तो उसका सेम ही होगा, इथॉक्सी इथेन, इसमें कोई चेंज नहीं है। लास्ट है आपका CH3 हो CH2 CH2 CH3, तो अगर देखा जाए तो ये बड़ी चेन है और कितने कार्बन की चेन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, इसलिए मैं इसको प्रोपेन लिख देती हूँ, आपको इसको तोड़ तोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा। और मेन हमारा ऑक्सी ग्रुप कौन है, तो मिथॉक्सी, तो अगर इसका नाम है कॉमन नेम देखूँ तो इसका नाम क्या होगा, मिथिल, दिस इज मिथिल और चैन किस में है, लंबी चैन है इसलिए एन प्रोपिल ईथर, ठीक है, तो मिथिल एन प्रोपिल ईथर, मिथेन इथेन प्रोपेन है ना, एन प्रोपिल और ईथर जो सर नेम जाएगा। पर IUPAC रूल के हिसाब से देखो तो इसको तो मिथॉक्सी कहा जाएगा, दिस इज अ मिथॉक्सी और मेन चैन कौन सी है, तो प्रोपेन की, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो CH3 CH3 CH2, तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि ये चेन जो है वो आइसो पोजिशन में, दिस इज आइसो, और कौन सा आइसो है, तो प्रोपेन, ठीक है, ये आइसो प्रोपेन बोल सकते हैं इसको हम, और ये आपका मिथॉक्सी रहेगा। तो कॉमन नेम अगर देखा जाए तो मिथिल है ही, आइसो प्रोपिल में है, ठीक है, आइसो प्रोपिल और ईथर, आइसो में चेन है इसलिए आइसो प्रोपिल ईथर। और IUPAC में देखे तो इसका नंबरिंग करना पड़ेगा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, सेकंड कार्बन पे मिथिल लगा इसलिए टू मिथॉक्सी, सॉरी, ठीक है, सेकंड कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप पेंडिंग में है, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की, ठीक है, थोड़ा सा किचकिच पॉइंट हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की है तीन कार्बन की, सेकंड कार्बन, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज थर्ड, तो सेकंड कार्बन पे कौन लगा है, मिथॉक्सी, इसलिए टू मिथॉक्सी, सेकंड कार्बन पे मिथॉक्सी, टू मिथॉक्सी और मेन कार्बन की चेन है प्रोपेन की। ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स का आपका, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अल्किल ग्रुप जो होते हैं वो सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, सेम अगर है तो इसको सिंपल ईथर, अलग है तो मिक्स ईथर कहा जाएगा। इसको अल्किल डेरिवेटिव्स कहा जाता है जिसमें दो अल्किल ग्रुप्स अटैच है, दो आर ग्रुप है जो ऑक्सीजन से अटैच रहेंगे। अगर आपको सिंपल ईथर लिखना है तो अल्किल ईथर लिखिए, अगर मिक्स ईथर लिखना है तो वो अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा। IUPAC में अगर देखा जाए तो वो अल्कोक्सी अल्कोक्सी अल्केन्स कहा जाता है, तो अल्केन जो रहेगा, अगर बड़ा अल्केन का पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही कि बड़ी चेन थी तो उसको हमने प्रोपेन ही लिखा, छोटे ग्रुप जो रहेंगे उसको हम ऑक्सी ऑक्सी लिख सकते हैं, जैसे इसको मिथॉक्सी, यहाँ पे इसको मिथॉक्सी, इसको इथेन रखा, इसको इथॉक्सी, इसको इथेन रखा, ठीक है, इसको मिथॉक्सी, इसको इथेन मिथेन रखा, यहाँ पे इसको मिथॉक्सी, बाकी ये प्रोपेन की जो है इसलिए वैसे के वैसे। तो ये आपका हो गया आज का नॉमिनक्लेचर का पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल का और आज का क्लासिफिकेशन और नॉमिनक्लेचर मस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। वैसे ही अल्कोहल फिनॉल पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो आज तक का हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ओवर हो चुका है, कल का मैं नेक्स्ट पार्ट में लेती हूँ, ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, प्लीज, और पढ़िए, ठीक है, मेरा डेडिकेशन बस इतना है कि आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी नहीं है बहुत, पर आप पढ़िए प्लीज़, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास अभी, तब तक के लिए गुड बाय।